अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते आज की टॉप 10 न्यूज। अगर ये न्यूज आपको पसंद आती है तो आप इसे लाइक जरूर करना ताकि यूट्यूब आगे और लोगों को ये वीडियो भी रिकमेंड करे। हिल लाइफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो कि अपने आप में एक पूरा हेल्थ सिस्टम है, जहां एग्जीक्यूटिव वार्ड के साथ चैरिटेबल वार्ड भी है, जिसमें मुख्यमंत्री स्वास्थ्य कोष योजना के तहत जरूरतमंदों का भी इलाज होता है। गर्भवती महिलाओं को रजिस्ट्रेशन करवाने पर नॉर्मल डिलीवरी 8,000 रुपए और सीजेरियन केवल 25,000 रुपए में दवाइयों के साथ की जाती है। हिल लाइफ हॉस्पिटल में सभी इंश्योरेंस कंपनी की कैशलेस फैसिलिटी है। हिल लाइफ हॉस्पिटल की एक और नई ब्रांच शुरू होने जा रही है, थाने भिवंडी हाईवे मानकोली नाके पर। हिल लाइफ हॉस्पिटल का पता है समद एवेन्यू बिल्डिंग फर्स्ट फ्लोर, आजमी बेकरी, कल्याण रोड, भिवंडी। भिवंडी में टोरेंट पावर कर्मियों को मारने में 8 आरोपी हुए गिरफ्तार। 28 जुलाई को मनपा प्रशासन द्वारा देवजी नगर इलाके में अति खतरनाक इमारत में पावर सप्लाई बंद करने गए टोरेंट कर्मियों के साथ की गई मारपीट के मामले में नारपोली पुलिस ने मनसे अध्यक्ष मनोज गुलवी सहित 3 पुरुष और 5 महिलाओं सहित कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया और सोमवार को भिवंडी कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें 2 अगस्त तक के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया है। भिवंडी में किचन की जाली तोड़कर 1,15,000 रुपए की हुई चोरी। भिवंडी शहर में वरला रोड पर स्थित नंदे बिल्डिंग की पहली मंजिल के फ्लैट नंबर 2 में अज्ञात चोर ने किचन में लगे एग्जॉस्ट फैन तोड़कर घर में घुसा और अलमारी में रखे सोने के मंगलसूत्र, बाली, अंगूठी, मोबाइल और नकदी कुल 1,15,000 रुपए कीमत के मुद्देमाल चोरी कर फरार हो गया। शहर पुलिस ने घर मालिक श्रीनिवास की शिकायत पर अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर रही की जाँच। भिवंडी के धामनगर नाका अमीना कंपाउंड में स्थित महाकाल डाइंग में लगी भीषण आग, जिसके 3 घंटे बाद भी आग की लपटें कम नहीं हुई। किसी भी जान हानि की खबर नहीं। मिली जानकारी के मुताबिक महाकाल डाइंग में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से भीषण आग लग गई। केमिकल्स के जलने से आग और बढ़ गई, जिसके बाद आसपास के घर खाली कर दिए गए। दमकल विभाग की 6 से अधिक गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग बुझाने की कोशिश की, साथ ही MLA महेश चौगले घटनास्थल पर पहुंचकर हादसे पर अफसोस जताया। बोरीवली में हुए ट्रेन फायरिंग अटैक में 3 मुस्लिम यात्री की मौत पर असदुद्दीन ओवैसी ने उठाया सवाल। 31 जुलाई को चलती ट्रेन में RPF कांस्टेबल चेतन कुमार ने अपने सीनियर ASI टीकाराम सहित 3 मुस्लिम यात्रियों को गोली मार दी और गोली लगे हुए एक जख्मी शख्स से PM मोदी और CM योगी की तारीफ कर रहा था, जिसको लेकर AIMIM प्रेसिडेंट असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करते हुए इस हमले को आतंकवादी हमला बताया और कहा कि ये एंटी मुस्लिम हेट स्पीच का नतीजा है, जिसे PM नरेंद्र मोदी रोकने में नाकाम रहे। महाराष्ट्र के थाने में पुल निर्माण के दौरान क्रेन और स्लैब गिरा, जिसमें दबकर 16 लोगों की मौत हो गई। गिर्डर लॉन्चिंग मशीन के गिरने से हुई। जानकारी के मुताबिक मशीन का इस्तेमाल समुद्री एक्सप्रेस हाईवे के 3रे चरण का निर्माण में किया जा रहा था। इसी दौरान 100 फुट की हाइट से एक ग्रेडर मशीन गिर गई, जिसके बाद सुपरिटेंडेंट टीम और पुलिस मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। हरियाणा के नूंह जिले में विश्व हिंदू परिषद की यात्रा को रोकने की कोशिश करने पर भड़की हिंसा। नूंह जिले में सोमवार 31 जुलाई को बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद द्वारा धार्मिक यात्रा का आयोजन किया गया था, जिसके द्वारा मुस्लिम के साथ बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोगों की झड़प हो गई, जिसने मुस्लिम पक्ष पर पथराव करने का और गाड़ी जलाने का आरोप लगा है। इस हिंसा में मृतक की संख्या बढ़कर 5 हो गई है, साथ ही पुलिस कर्मियों समेत 70 लोग घायल हैं। वहीं इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है, इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई, स्कूल की छुट्टी और पैरामिलिट्री फोर्स तैनात कर दी गई है। बोरीवली में हुए ट्रेन फायरिंग अटैक में 3 मुस्लिम यात्री की मौत हो गई, जिनके परिवार वालों को वेस्टर्न रेलवे ने 10 लाख रुपए का भुगतान देने का ऐलान किया है। इस केस के आरोपी चेतन सिंह को आज बोरीवली कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने 7 अगस्त तक रेलवे कस्टडी सुनाई, जिसके आगे की जांच रेलवे ने हाई लेवल ऑफिसर्स को सौंप दी है। आज सेंसेक्स 67 अंकों की गिरावट के साथ 66,459 पर हुआ बंद। वही निफ्टी 20 अंकों की गिरावट के साथ 19,733 पर हुआ बंद। गोल्ड 59,030 पर ट्रेड करते हुए, सिल्वर 73,891 और क्रूड ऑयल 6,724 पर ट्रेड करते हुए।